बार स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसमें बैठक में 28 प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में पेटलाभत में 12 अक्टूबर 2016 को मुहर्रम का जुलूस रोकने की घटना पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में सरकार ने जांच आयोग गठित किया था। रिपोर्ट में जुलूस रोकने के कारण की पड़ताल का रिपोर्ट दी गई है। और इसके अलावा कैबिनेट में सरदार सरोवर परियोजना में हाईकोर्ट के निर्णय पर क्रियान्वयन का प्रस्ताव भी आएगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लगाई जाएगी। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबे अरसे से लगातार चर्चा मांग रहे थे और आखिरकार उन 28 प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी।